अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उर्फत और मैंने आज आप लोगों को इस वीक में जो काम कराना है वो जी इवेंट हैंडलिंग पर, कि ऑन क्लिक पे बटन के क्लिक पे कोई ना कोई काम परफॉर्म हो। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने क्लास पढ़ा था, लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने AWT के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने एक एग्जांपल भी की थी AWT की, जिसने आप लोग जो भी आप लोग टेक्स्ट देते थे और उस टेक्स्ट को वो शो कर लेता था। ठीक है, तो अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे, जिसके ऐड पे क्लिक करेंगे, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड और रीसेट वगैरह पे क्लिक करेंगे तो ये अपना काम परफॉर्म करेगा। तो चलें देखते हैं ये कैसे कैलकुलेटर काम करेगा। और हम लोगों ने इसके अलावा ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो ग्रिड मैनेजर के ये अपने नंबर ऑफ़ रोज, नंबर ऑफ़ कॉलम कैसे मैनेज करेंगे। देखिए मैंने कितने कॉलम बनाए, कितनी रोज़ बनाई है, 1, 2, 3, 4 रोज़ है और 4 कॉलम में इसको सेट किया है। तो चलें इक्लिप्स में चलते हैं और अपने प्रोग्राम रन करते हैं। तो सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट जी, तो यहाँ लिख लें माई कैलकुलेटर। ओके बना दे, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ। ठीक है, अब माई कैलकुलेटर कहाँ आया है जनाब, ये आया हुआ। ठीक, यहाँ इस पर राइट क्लिक करें, न्यू क्लास में जाएं और यहाँ पे बना दें जनाब क्लास माइकल के नाम से। ठीक है, और इसमें मेन रख लें, ठीक है, और इसको कलेक्ट कर लें। खास ये जो माइकल कल है, सॉरी माइकल है, इसको एक्सटेंड हम लोग करते हैं फ्रेम से। अगर हम लोग इसको ना भी करें तो हम एसोसिएशन के तरीके से कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि एसोसिएशन के तरीके से कैसे होता है। फ्रेम इम्प्लीमेंट्स इसका ले लें, इंटरफेस एक्शन लिस्टर, ठीक है। अब ये दो काम बताएगा, आपको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्लिक करते जाएँ वो खुद करेगा, या यहाँ पे इंपोर्ट कर ले। सॉरी क्लास ये भी ना थोड़ा सा हैंग हुआ है, मैं इसको ठीक कर लूँ, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा आप लोग यू करें, इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट कर लें java.aWT.static, ठीक है। सिस्टम स्लो हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा भी आज सिस्टम स्लो है क्योंकि अपडेट हो रहा है बिहाइंड। और इंपोर्ट कर ले जावा लिसनर को, और एक एक करने के बजाय आप इवेंट स्टैटिक लगा दें ताकि जितने भी इवेंट्स हैं वो ऑकर हो जाएं। और इसके अलावा इसका अनइम्प्लीमेंट फंक्शन, इसको ना मेन को आप नीचे कर लें ताकि हम लोग थोड़ा सा इसको काम को मैनेज करके करें। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है, वैल्यूज डिक्लेयर करनी है। कौन सी, हमें तीन टेक्स्ट फील्ड चाहिए, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू और टेक्स्ट थ्री। और बटन कितने चाहिए जनाब, हमें बटन हमें काफ़ी सारे चाहिए, एक बटन चाहिए जी,
btn प्लस btn, ये प्लस का p बड़ा करें ताकि थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट कैमल स्टैंड स्टाइल को अपना सके, प्लस माइनस बटन डिवीजन बटन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई ओ जी बटन क्लियर। ठीक है, ये बटन फिलहाल इतना ही रखे, हो गया क्लास। इसके बाद आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाना होता है जिसमें हम ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ओके, कंस्ट्रक्टर वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए भी यूज़ होता है बेसिकली। तो टेक्स्ट वन इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, ठीक है क्लास। इस टाइम यहाँ पे हम लोग इसका साइज नहीं देंगे, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम इनका साइज दिया था, नंबर ऑफ रोज कॉलम सारा हाइट और विड्थ दी थी, इसके अलावा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देंगे, इस टाइम नहीं देंगे। अब हमने यूज़ करना है ग्रिड सिस्टम को, जिसमें हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में इसको सेट करेंगे और ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट वन तो इसी को कॉपी कर ले ताकि हम लोग बार बार ना लिखे, टाइम बचा रहे हमारा। ठीक, ये हो गया जी टेक्स्ट टू, ये हो गया जी टेक्स्ट थ्री। सेम बटन का कर लें, बटन प्लस इक्वल्स टू न्यू न्यू बटन, और यहाँ पे अंदर आप प्लस दे सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस दे भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है जी बटन बी डी एन बटन, फिर बटन माइनस इक्वल्स टू न्यू बटन और माइनस प्लस। ओके, बटन डिवीजन इक्वल्स टू न्यू बटन बटन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू न्यू न्यू बटन और मल्टीप्लाई ऑप्शन। ठीक है, और फिर बटन कौन सा क्लियर सॉरी इक्वल्स टू न्यू न्यू बटन क्लियर पे आप सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चले, ये सारे हमने इनिशियलाइज कर लिए क्लास। अब हमने क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए हमने आगे काम करना है। अब इनको ऐड करना है कहाँ जनाब, हमने ऐड करना है इनको अपना जो फॉर्म क्रिएट करेंगे फ्रेम उसमें। तो इसी को कॉपी बार बार करते रहे ताकि बार बार ना लिखना पड़े। टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री। ठीक है, फिर जी ऐड करें बटन प्लस को फिर बटन माइनस को बटन मल्टीप्लाई को बटन डिवीजन को और जी बटन क्लियर। ओके, और ये मिटा दें, ऐड हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने बटन जो प्लस था डॉट ऐड लिसनर फंक्शन लिसनर कॉल करना है और इसके अंदर काम करना है दिस। सेम इसके लिए सब बटन्स क्लिक करेंगे कि इनके क्लिक पे कोई ना कोई काम परफॉर्म हो।
बटन माइनस बटन रुइन बटन प्लस माइनस रुइन मल्टीप्लाई बटन क्लियर ओके। अच्छा क्लास तो अब हमने क्या करना है सेट विजिबल हमने क्या कर देना है ट्रू। उससे पहले हम लोगों ने एक काम करना है सेट लेआउट लेआउट इसके अंदर हम लोग नल करते थे तब जब तक अमाउंट की वैल्यू अमाउंट का ऑलरेडी साइन डिफाइन कर लेते लेकिन हमने बात किया अब इसमें ग्रिड लेआउट यूज़ करेंगे ग्रिड लेआउट और इसमें कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स और हम लोग उनकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस को भी दे सकते देते ओके। सेट विजिबल सेट लेआउट ठीक है क्लास यहाँ तक इसको रन करें देखते रन हो कि क्या बनाता है ये और मेन में हमने उसको कॉल ही नहीं किया तो कुछ नहीं करेगा तो सबसे पहले जाएं यहाँ पे मेन में हम इसका ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट कॉल करने बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन इसी क्लास में हम जस्ट इसका कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते ये आया है लेकिन इसको हम दूसरे ट्यूटोरियल में देखते हैं जब तक के लिए क्लास अल्लाह हाफिज़।